हाय भाई, मेरा नाम संजय बेटा। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जेई 2025 एग्जाम के डेट्स के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। राइट, तो हमारी जो सीरीज चल रही है जिसके अंदर अपन जेई, नाटा, एनआईटी, अगर आप एनआईटी, एनएफटी, यूसीड कोई सी भी एग्जाम दे रहे हो, तो इन सभी अपन के डेट्स और सभी चीजों के बारे में अपन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिर स्ट्रेटजी के बारे में बात कर रहे हैं। अभी मोस्टली जो डेट्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाली वीडियो सभी एग्जाम की कवर हो चुकी है। राइट, ये जेई वाली बाकी, जेई के बाद यूसीड वाले एग्जाम जो है उन वाले बच्चों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डेट्स की अपन बात करेंगे। जेई 2025 की हम बात करते हैं जब भी, पेपर नंबर 2 जिसको हम कहते हैं क्या, बी आर, तो भाई इसकी क्या डेट्स है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं, बात करते हैं। एग्जाम डेट और रजिस्ट्रेशन डेट दोनों की बात कर लेते हैं। देखो हर साल की तरह मैं बता दूं आपको, लास्ट अगर बात करो ना, तो यार लास्ट 2 ईयर से यही पैटर्न चल रहा है, इस बार भी यही रहने के चांसेस है। आपके 2 अटेम्प्ट कुल मिला के होंगे, ध्यान रखना कुल मिला के टोटल क्या है, आपके 2 अटेम्प्ट होंगे। पहला अटेम्प्ट होगा जनवरी के अंदर होगा, सेकंड अटेम्प्ट होगा अप्रैल के अंदर होगा, हमेशा से होता ही ऐसे ही चलेगा। राइट, अच्छा इसके रजिस्ट्रेशन डेट्स पहले मैं ऊपर लिख देता हूँ। आपके रजिस्ट्रेशन जो होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली अक्टूबर में स्टार्ट होते हैं, अक्टूबर के 3rd या 4th वीक में स्टार्ट होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अभी लास्ट ईयर बिफोर 2 साल पहले जनवरी में, नवंबर में स्टार्ट हुए थे, पर लेकिन लास्ट 2 साल से यही पैटर्न चल रहा है, 4th वीक में मान के चलो। ठीक है, जनवरी के अंदर देखो पहला अटेम्प्ट जो होता है वो फिक्स पे हर साल 24 से लेके क्लास चलता है 1st ऑफ फेब 2025। ये आपके डेट रहेगी किसकी, फर्स्ट ऑल अटेम्प्ट की। अब ये मैं आपको पूरी जेई का बता रहा हूँ, क्योंकि जेई का जो एग्जाम होता है वो 6 से 7 दिन तक चलता है। राइट, तो उसमें अलग अलग शिफ्ट होती है, तो आपको अभी टोटल शिफ्ट बता रहा हूँ। अभी मैं आपको बताऊंगा बी आर वाला एग्जाम एक ही दिन होता है, तो वो किस दिन होता है वो भी बताता हूँ। उससे पहले देखो अप्रैल वाला अटेम्प्ट होगा, सेकंड वाला अटेम्प्ट, ये फर्स्ट वाला अटेम्प्ट, सेकंड वाला अटेम्प्ट जो होगा वो भी डेट हमेशा फिक्स है, वो अप्रॉक्सीमेटली जो रहती है ना डेट्स, वो 6 अप्रैल से लेकर आपके 15 अप्रैल तक एग्जाम चलते हैं। ये टोटल बता रहा हूँ आपके, इतने ही दिन एग्जाम चलते हैं किसके, जेई के। राइट, 2025 एंड 2025, वह लास्ट 2 साल से यही सेम चल रहा है। अब इसके अंदर पैटर्न अलग अलग हो सकता है, इसके अंदर 8 से लेकर 12 तक चले, या फिर 7 से लेकर 15 तक 14 तक 13 तक, तो अंदर मतलब इसके अंदर अंदर एक रेंज अप्रॉक्सीमेटली यही इस बार भी दिखाई दे रहा है, यही पैटर्न रहेगा, यही डेट्स रहेगी। अब ये बात कर लेते हैं मेनली जब बी आर का एग्जाम है वो किस दिन होता है, बिकॉज वो एक जो बी आर का एग्जाम है वो एक दिन पूरा होता है, मतलब कुल मिला के 2 शिफ्ट में होता है। राइट, शिफ्ट नंबर 1 भी होती है, शिफ्ट नंबर 2 भी होती है, एक बच्चे को एक ही शिफ्ट देनी होती है, कुल मिला के बच्चे 2 शिफ्ट में बटे होते हैं, तो एक दिन होता है पूरा वो जब बी आर का एग्जाम होता है। अब देखो हमेशा पहले फिक्स है, अभी बी आर का बताऊँ ना आपको, मैं जब से वीडियो बना रहा हूँ मतलब लास्ट मेरे को 3 साल हो गए, 3 साल से ये चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और मैं कोविड के पहले भी देखा था, कोविड के टाइम भी देखा था, सब चीज़ों के अंदर सेम है कि 2 अटेम्प्ट के अंदर से पहला वाले अटेम्प्ट के अंदर जेई बी आर का एग्जाम इस सेशन के पहले दिन होगा, मतलब क्या 24th ऑफ जनवरी। मैं आपको अभी से बता देता हूँ कि जेई पेपर 2 का एग्जाम 24th ऑफ जनवरी को होने वाला है, मान के चलो 99% केस हमेशा 24th ही, और अगर ये डेट 25 या 23 भी होती ना तो भी स्टार्टिंग वाला दिन ही होगा, ये फिक्स है। और सेकंड वाले अटेम्प्ट के अंदर जो बी आर का एग्जाम है ना वो होता है लास्ट वाले दिन। अब लास्ट वाले दिन चाहे यहाँ पर 15 अप्रैल हो, चाहे 12 अप्रैल हो, चाहे 13 अप्रैल होगा, क्या लास्ट वाले दिन ही होगा जेई पेपर 2 बी आर का एग्जाम की बात करो, इस वाले एग्जाम की, ये जिसके लिए स्पेशली वीडियो बनाई गई है, ये आपको याद रखना है, इस बार भी यही रहने वाला है। राइट, रजिस्ट्रेशन डेट पता चली, ये पता चली। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या थी, देखो ये आई थिंक मैं पहले भी आपको वीडियो बनाकर बता चुका था, जिसमें मैंने नाटा जेई की ओनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बात की थी, वही रहने वाला है। अगर आप 10+2 से हो तो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अंदर यहाँ पर 75% का क्राइटेरिया पूरा करना जरूरी है, किसके लिए, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, याद रखें, और 65% अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी रिजर्व कैटेगरी से हो, तो ये आपके परसेंटेज रहेगा। फिर बहुत सारे कहते हैं 70% का क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा, क्या करें, 75% के अलावा आप चाहो तो ये देख सकते हो कि आप टॉप 20% के अंदर भी आ जाओ, या तो 20% हो कोई एक क्वार्टर पूरा करना है, तो टॉप 20% के अंदर हो आपकी रेस्पेक्टिव स्टेट बोर्ड या फिर जो भी बोर्ड है, या फिर आप 70% का क्राइटेरिया पूरा करो। अगर आप जनरल ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूसी हो तो 60% का क्राइटेरिया आपको पूरा करना होता है। ये सिंपल क्राइटेरिया है किसका, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जेई के लिए, और ये आपके पास है डेट्स और ये सब कुछ है, बस ज्यादा कुछ नहीं, इतना सा है। ठीक है, तो फिर इसके बाद मैथ्स आपको होना जरूरी है, और ये सब कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर बार का रहता है, इस बार भी यही रहने वाला है। बाकी और भी कोई डाउट हो तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। बाकी अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं अपन, और बाकी इसके ऊपर अच्छा एक कुछ ही बताया तो मैं आपको जेई की जो फर्स्ट वाला अटेम्प्ट देने जा रहा है, या जेई का जो है ना फर्स्ट वाला अटेम्प्ट है ये वाला जनवरी अटेम्प्ट, इसके ऊपर स्ट्रेटजी वीडियो आ चुकी है, मैंने डाल दी थी स्ट्रेटजी वीडियो, लगभग 10 दिन हो चुके हैं। इस वाली स्ट्रेटजी वाली वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाकर चेक करना कैसे आपको फर्स्ट वाला अटेम्प्ट के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर 99.99% फाड़ के रखना है। तो ये स्ट्रेटजी वाली वीडियो आ चुकी है, लिंक आपको नीचे दे रखा है, जाकर चेक करो। राइट, बाकी मिलते हैं आप लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। इस बार मिलकर एग्जाम को क्रैक करना है, इस बार मिलकर आग लगानी है, तैयार हो जाओ।